पढ़ाने के अंदाज और बच्चों के बीच लोकप्रिय खान सर, बिहार की लोकप्रिय गायिका शारदा सिंह और उनके अलावा बिहार की कई विभूतियों को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में खान सर के अलावा पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिंह, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीज को बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि खान सर देश दुनिया के मुद्दों को देसी भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं और उन्हें आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका ही उन्हें खास बनाता है और वो इस तरीके से लोगों का दिल जीत चुके हैं। पटना में खान सर खान GS रिसर्च सेंटर नामक संस्थान चलाते हैं। इतिहास, भूगोल से लेकर हिंदी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तक के सवालों का बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। वहीं डॉक्टर शारदा सिंह सुपौल की बेटी और बेगूसराय की बहू हैं। डॉक्टर शारदा सिंह को देश का प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं शांति राय पटना में एक मशहूर महिला चिकित्सक है, उन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। डॉक्टर विजय प्रकाश पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं, उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। सुधा वर्गीज पिछले 56-57 सालों से केरल से बिहार आकर बिहार के मुसहर जाति की बच्चियों के लिए काम करती हैं। उन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार केसरी पुरस्कार समारोह का आयोजन श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर किया गया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर आचार्य किशोर कुणाल के साथ साथ कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि यह सम्मान बिहार के पहले CM और बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पर हर साल किया जाता है। चिकित्सा, शिक्षा, सेवा, कला संस्कृति और समाज सेवा में बेहतर काम करने वालों को ये सम्मान दिया जाता है।